हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्किन केयर। मैं हूँ दरक्षा। आज मैं अरोमा मैजिक ग्लॉसी पैक का रिव्यू शेयर करूँगी। ये देखिए प्रोडक्ट ब्लॉसम कोच अरोमा मैजिक एंटी पिगमेंटेशन ग्लॉसी पैक लाइट्स ब्लेमिश एंड डार्क रिंकल 100 ग्राम ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है ये। इसका MRP यहाँ पे दिया हुआ 410 रुपये का ये है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है अगस्त 19 का है। ये एक्सपायर करेगा जुलाई 22 में। डेट तो काफ़ी लंबा है इसका। इसको यूज करने का डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप थिक लेयर में इसको अप्लाई करना है फेस पे। 15 से 20 मिनट के लिए इसको लगा कर रखना है। इसको आँख पर भी लगा सकते हैं, अंडर आई एरिया में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर इसमें लिखा हुआ है अप्लाई करने के लिए। अब मैं इसको यूज की भी हूँ। इसका इंग्रेडिएंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट हो गए। इसको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए इस पर भी आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका होल काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा में ज़्यादा बाहर आ जाता है। ये इस तरीके का ये पैक दिखेगा आपको। इसको ऐसे लगा लेना है। ये बहुत ज़्यादा मैं इसको यूज की हूँ ना, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है धोने के बाद स्किन। ये सूखता भी नहीं है ये पैक। 20 मिनट के बाद आपको धो देना है स्किन को। प्लेन वाटर से फेस को साफ कर लेना है। ये ना पैक ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। मैं इसको यूज की, बहुत ही अजीब सा मुझे लगा था, चिप चिप सा कर दिया। मुझे फिर से फेस वॉश करके हटाना पड़ा था। मुझे ये अच्छा नहीं लगा मुझे यूज करने में। मैं इसको ड्राई स्किन वालों के लिए रिकमेंड करूँगी, ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए नहीं है ये पैक। मुझे ग्लॉसी की जगह मुझे अजीब सा मेरी स्किन हो गया था इसको लगाने के बाद, बहुत ही चिपचिप सा एकदम लगने लगा। फिर से मैं इसको फेस वॉश करके हटाई थी। इससे ऐसे दिखेगा। फिर इसको आप पोछ भी सकते हैं, स्पॉन से ही पोछेंगे तो पूरा उठ जाता है, पकड़ता नहीं है ये स्किन को। ये देखिए मैं इसको पोछ कर निकाल रही हूँ। बहुत ही जल्दी आसानी से साफ हो जाता है। मैं इसमें ये बताऊंगी कि इसको ना डायरेक्ट पानी से मत वॉश कीजिएगा, जाकर टिश्यू पेपर हो भिगाकर उससे निकालिए या स्पॉन्ज से निकालिए, ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। डायरेक्ट पानी से निकालने से उतना अच्छा से साफ भी नहीं करता है, चिपचिपा टाइप से कर देता है स्किन को। इस तरीके से साफ करेंगे, देखिए कितना अच्छा लगने लगा। ये स्किन पे तो वर्क करता है, ये कितना खिला खिला दिखने लगा एक ही बार में। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना स्किन, साफ भी दिखने लगा है। इसमें दोनों में फर्क तो दिख रहा है थोड़ा। ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। प्रोडक्ट अच्छा है, बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है। इसमें 100% पैराविन फ्री है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है ये। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या ब्लेमिश है या बहुत ज़्यादा डार्क है आँख के नीचे, तो भी आप इसको लगा सकते हैं। अब उसके लिए बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में एक बार ज़रूर यूज कीजिएगा। मैं इसको हाईली रेकमेंड करूँगी ड्राई स्किन वालों के लिए। बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसे यूज़ किए हैं तो आप लोगों को कैसा लगा है मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही है मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।